तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे और एक नई वीडियो। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि झारखंड एक्साइज कॉन्स्टेबल का डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगा है और क्या नहीं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये जल्दी से आप जाकर डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, वरना आपको फिजिकल सेंटर से बाहर कर दिया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको एक आधार कार्ड ले लेना है। जैसे कि आप जब फॉर्म भर रहे होंगे, आपको एडमिट कार्ड में जैसे डेट ऑफ बर्थ होगा, नेम होगा, ठीक वैसे ही अगर सेम आधार कार्ड से मिल रहा है तो ठीक है, वरना अगर आधार कार्ड में कुछ गलती है, कुछ डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप 10th का मार्कशीट ले जाइए, क्योंकि जब फॉर्म में आप जब भरे होंगे सेम वैसा ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको आधार कार्ड में कोई दिक्कत है तो आपके पास यहाँ कोई पैन कार्ड होगा, पैन कार्ड तो पैन कार्ड आप ले जा सकते हैं, आधार कार्ड छोड़कर पैन कार्ड ले जा सकते हैं। और आप ये उसमें मिला लीजिएगा कि जो आपका एडमिट कार्ड है जो SSC की तरफ से मिला है, उसमें डेट ऑफ बर्थ और नेम आपको मैच कर रहा है कि नहीं एडमिट कार्ड में, ठीक है। अगर मैच कर रहा होगा तो आधार कार्ड को छोड़कर ये ले जा रहा है। और अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों नहीं मैच कर रहा होगा तो आपके पास एक और विकल्प है, जो कि है आपको 10th का मार्कशीट आप आराम से ले जा सकते हैं, और फिर यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और इसके साथ साथ और डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि देखिए आपको एक जो आपको पासपोर्ट साइज़ है फ़ोटो, वो कम से कम 6 पीस निकलवा लेना है। वहाँ 2 फ़ोटो की ज़रूरत होगी, लेकिन एक्स्ट्रा आप निकलवा लीजिएगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही हो रहेगा, ठीक है। तो आपको पासपोर्ट साइज 6 पीस, जिसका डायमेंशन 4.5 mm से 3.5 mm तक होना चाहिए, ठीक है। तो आप 6 पीस फ़ोटो ले जा सकते हैं। फ़ोटो लेने के बाद यहाँ आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पेन भी ले जाना है, ठीक है। पेन ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पेन आपको जो चाहिए, ये जो कवर वाला है, कवर वाला नहीं चाहिए, ऐसा पेन चाहिए जिसके आर पार दिखा जा सके, ठीक है। तो वैसा पेन चाहिए, कवर वाला पेन नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा वहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। पेन आपको ले जाना बहुत ज़रूरी है, और आपको जो पेन चाहिए वो वैसा पेन चाहिए जो आर पार दिख रहा हो, जो पारदर्शी पेन हो, ठीक है। ये कवर वाली पेन नहीं लेनी है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ आप यहाँ देखिए, फिर यहाँ आपको जो JSSC की तरफ से एडमिट कार्ड मिला है उसे ले जाना है, और जो एडमिट कार्ड हुआ वो कम से कम 2 पीस निकलवा लीजिएगा, वो कलर प्रिंट होना चाहिए। यहाँ कोई मायने नहीं रखता कलर प्रिंट रहे या कलर प्रिंट ना रहे, ठीक है। लेकिन आप कलर प्रिंट में ले जाइएगा, हो सकता है वहाँ मांग दे। तो चलिए बस यही डॉक्यूमेंट चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।